एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक पर्टिकुलर स्मॉल बजट में आप अपनी ग्रैंड शादी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हर लड़का लड़की का ड्रीम होता है कि मेरी शादी ग्रैंड हो। पेरेंट्स भी बच्चों की शादी अच्छे से करना चाहते हैं, तो ऐसे में हर कोई बहुत सारा खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता। हमारे इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स थे कि हमारा बजट 5 लाख की है तो उसमें शादी हो सकती है क्या, या फिर मुझे अपनी लड़के की शादी कम खर्चे में करना है। तो हाँ, आप 5 लाख के बजट में भी अच्छी ग्रैंड शादी कर सकते हो। शादी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। घर में शादी एक बार फिक्स हो गई तो मान लीजिए कि अगर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर शादी है तो उसका प्रॉपर प्लानिंग करना तभी से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अपना बजट आप डिसाइड करें कि मुझे 5 लाख में ही शादी करनी है या मेरा बजट 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। तो आज की वीडियो के हिसाब से हम देखेंगे कि 5 लाख रुपये के बजट में आप अपनी वेडिंग कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं प्री वेडिंग फंक्शन के स्पेंडिंग्स, शादी के लिए बड़े खर्चे और छोटे खर्चे क्या क्या है। प्री वेडिंग फंक्शंस में हल्दी, मेहंदी और संगीत को एक साथ ही प्लान करें। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी वेन्यू की, केटरिंग, मेहंदी आर्टिस्ट, डीजे एंड फोटोग्राफर। डेकोरेटर आप हायर कर सकते हो या फिर अगर आपको पॉसिबल है तो आप अपना बैकड्रॉप खुद भी डेकोरेट कर सकते हो। ये स्मॉल फंक्शंस आप अपने घर पे, क्लब हाउस या फिर आपके घर की टेरेस पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इन फंक्शंस के लिए आपके बहुत ही नज़दीकी ऐसे 50 से 70 लोगों को ही इनवाइट करें। इन छोटे फंक्शंस के लिए वेन्यू से लेके डीजे तक का सारा खर्चा मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। खाने में हमें लिमिटेड फूड आइटम्स ही रखने हैं, जैसे कि बेसिक दाल, पुलाव, सब्जी और डेजर्ट, या फिर आप सिर्फ स्नैक्स भी अरेंज कर सकते हो। अगर आप अपने घर पे, आपके टेरेस या फिर क्लब हाउस में फंक्शंस रख रहे हो तो आपको टेबल और चेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 70 लोगों के हिसाब से अंदाजन आपको 40 चेयर्स और 8 राउंड टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। डेकोरेटर आप वेडिंग और प्री वेडिंग फंक्शंस के लिए एक ही रखें और 60 to 70 thousand के बजट में आप अपने सारे फंक्शंस प्लान करवा सकते हो। मेहंदी आर्टिस्ट को हमेशा ग्रुप पैकेज के साथ ही हायर करें, इससे आप अपने काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हो। आपकी लाइफ के सबसे खास मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर इज़ मस्ट। तो इसके लिए आप बजट फोटोग्राफर एक अच्छी पैकेज डील में प्री वेडिंग फंक्शंस और वेडिंग डे के लिए हायर कर सकते हो। आपके प्री वेडिंग फंक्शंस को और धमाकेदार और रॉकिंग बनाने के लिए डीजे ज़रूर हायर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्री वेडिंग फंक्शंस का बजट ब्रेकडाउन क्या कहता है। सारे प्री वेडिंग फंक्शंस एक ही दिन पे प्लान करें और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेस एक्सपेंसिव वेन्यू ही चूज़ करें, जैसे कि आपका अपना घर, क्लब हाउस, पार्किंग स्पेस और टेरेस। कम से कम लोगों को इनवाइट करना है, हमने 70 लोग कंसिडर किए हैं तो पर प्लेट 300 के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है 21,000, जिसमें बेसिक मेन्यू ही रहेगा, लेकिन अच्छा केटर ही हायर करें। प्री वेडिंग फंक्शंस और वेडिंग के लिए प्योर वेज मेन्यू ही चूज़ करें। टेबल और चेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग होगी 5,000। डेकोरेशन में आपको 20,000 के बजट में बहुत अच्छा सेटअप मिल जाएगा। आप अगर खुद से कुछ सिंपल डेकोरेशन करते हैं तो ये कॉस्टिंग भी आपकी सेव हो जाएगी। मेहंदी आर्टिस्ट ब्राइड के लिए अलग से ना लेकर पैकेज में ही हायर कीजिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा। मेहंदी आर्टिस्ट की कॉस्टिंग 5,000 से लेके 50,000 तक भी है, तो हम यहाँ ब्राइड के लिए कॉस्टिंग 5,000 पकड़ते हैं और बाकी सिस्टर, मम्मी और आंटीज़ के लिए 2,000। बजट फोटोग्राफर्स आप दोनों दिन के लिए एक ही पैकेज में बुक करें तो उसकी कॉस्टिंग होगी 75,000। प्री वेडिंग फंक्शंस के लिए बेसिक डीजे की कॉस्टिंग होगी 5,000। ट्राई कीजिए कि डेकोरेटर, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, डीजे आप प्री वेडिंग और वेडिंग डे के लिए एक ही पैकेज में बुक करें, इससे आपकी बहुत सारी सेविंग्स हो जाएंगी। अगर आप कोई बैंक्वेट हॉल बुक करते हो तो टेबल और चेयर की कॉस्टिंग भी बच जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि वेडिंग फंक्शन के कौन से हैं वो बड़े खर्चे, बिग स्पेंडिंग्स। वेडिंग फंक्शन के लिए हमें ज़रूरत है वेन्यू, फूड, डेकोरेशन, बैंड, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर एंड डीजे। शादी के लिए आप वेन्यू में बैंक्वेट्स, स्मॉल हॉल या फिर स्मॉल गार्डन चूज़ कर सकते हो।
शादी के फंक्शन में आप सिलेक्टेड 200 लोगों को ही इनवाइट करें। यहाँ हम बजट वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखनी होगी। शादी के खाने में भी मेन्यू प्योर वेज ही रखें। यहाँ हम कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ा रहे तो उस हिसाब से मेन्यू में वैरायटी मिलेगी, जैसे कि स्टार्टर्स, पुलाव, दाल, दो सब्जी, रोटी, डेजर्ट्स, आइसक्रीम, लाइव काउंटर एट्सेट्रा। डेकोरेशन में शादी के लिए बेसिक विधि मंडप और स्टेज डेकोरेशन ही चूज़ करें। बहुत ज़्यादा रियल फ्लावर्स या कॉस्टली डिज़ाइन सिलेक्ट ना करें, उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। शादी में आप अपने बजट अनुसार बैंड और डीजे को भी ज़रूर हायर करें, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक उसमें शामिल होके लाइव म्यूज़िक और डांस का मज़ा ले सकते हैं। शादी ब्राइड और ग्रूम के लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है, तो ऐसे बड़े दिन पे और भी खास और सुंदर दिखने के लिए मेकअप ज़रूरी होता है। इसीलिए आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को ज़रूर हायर करें। शादी से कुछ दिन पहले मेकअप की ट्रायल लेना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्री वेडिंग फंक्शंस और वेडिंग डे के लिए एक बजट फोटोग्राफर आप अच्छे पैकेज में हायर करें। वरमाला सेरेमनी के लिए आपको एक जोड़ी फूलों की वरमाला लगेगी। आजकल कम से कम दाम में भी यूनिक तरीके से आप कार डेकोरेशन करवा सकते हो। दूल्हा दुल्हन के स्पेशल एंट्री के लिए कोल्ड फायर लो बजट में आजकल एक अच्छा ऑप्शन है। शादी में और एक इम्पॉर्टेंट लेकिन बड़ा खर्चा है गोल्ड ज्वेलरी। 5 लाख के बजट में अगर आप ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले से ही एक्स्ट्रा सेविंग्स करनी चाहिए। आप ऑफ सीजन में गोल्ड खरीद सकते हो, जब गोल्ड की प्राइस भी कम रहती है। गोल्ड की एंड टाइम की खरीदारी आपका बजट बिगाड़ सकती है, क्योंकि गोल्ड रेट्स कभी भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। 5 लाख रुपए के बजट की शादी को ध्यान में रखे ही गोल्ड की परचेसिंग करें। चलिए अब देखते हैं वेडिंग डे के बजट का ब्रेकडाउन। हमें वेडिंग के लिए भी लेस एक्सपेंसिव वेन्यू ही चूज़ करना है, इसलिए हम लोग बैंक्वेट हॉल, क्लब हाउस या फिर स्मॉल गार्डन, स्मॉल हॉल्स को ही चूज़ करेंगे। मोस्टली आप बैंक्वेट हॉल ही चूज़ करें, अदरवाइज आपकी वेन्यू और फूड की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। शादी के लिए यहाँ हम फूड कॉस्टिंग बढ़ा रहे, तो उस हिसाब से अगर हम 200 लोगों को इनवाइट कर रहे तो 500 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से टोटल कॉस्टिंग विल बी 1 लाख रुपीज़। डेकोरेशन में बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ बैंक्वेट हॉल्स में पहले से उनका डेकोरेशन का सेटअप लगा रहता है, तो अगर आप वो सेटअप चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपकी डेकोरेशन की कॉस्टिंग बच जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ अलग डेकोरेशन चाहिए तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली या फिर बहुत ज़्यादा सिंपल डेकोरेशन भी चूज़ ना करें, तो ऐसे में आप अपने वेडिंग डेकोरेटर के साथ अच्छे से प्लानिंग करके एक अच्छा डेकोरेशन 50,000 के बजट में सेट कर सकते हो। शादी के लिए बैंड और घोड़ी सेटअप आप 10,000 में हायर कर सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट आप प्री वेडिंग और वेडिंग फंक्शन के लिए एक ही रखें, ताकि आपको 15,000 में अच्छी पैकेज डील मिल जाएगी। वेडिंग फंक्शन के लिए डीजे आपको 10,000 की रेंज में मिल जाएगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि एक बजट फोटोग्राफर हमने 2 दिनों के लिए पैकेज में बुक किया है, तो उसकी कॉस्टिंग होगी 75,000। एक जोड़ी वरमाला की कॉस्टिंग है 3,000 रुपीज़। एक्सपेंसिव स्पेशल एंट्री से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोल्ड फायर यूज़ करें, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा लगता है और अपने बजट में भी आ जाएगा, तो उसकी कॉस्टिंग होगी 2,000 रुपीज़। वेडिंग के लिए एक बेसिक कार डेकोरेशन आपको 2,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आपके कुछ क्लोज रिलेटिव्स बहुत दूर से शादी में शामिल होने आ रहे हैं तो पहले अपने घर पे ही उनका इंतज़ाम करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो उनकी अरेंजमेंट किसी बजट होटल या लॉज में भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने गोल्ड ज्वेलरी के लिए 1 लाख रुपये का बजट रखा है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो आजकल गोल्ड बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, तो गोल्ड के लिए आप पहले से ही एक्स्ट्रा सेविंग्स करके रखिए। हमारा लास्ट पॉइंट है स्मॉल स्पेंडिंग। उसमें आएगा आउटफिट्स एंड एक्सेसरीज, इनवाइट्स, गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। शादी में एक्सपेंसिव लहंगा, साड़ी या फिर शेरवानी लेने से अच्छा स्मार्ट डिसीजन लेके रेंटल आउटफिट्स ही चूज़ करें। शादी में घर के बाकी लोग भी अपने कपड़े और एक्सेसरीज पर कम से कम खर्चा करें। आजकल ई इनवाइट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ऐसे इन्विटेशंस आप जितने भी लोगों को शादी के लिए बुला रहे हो तो उनको सेंड कर सकते हो। प्रिंटेबल कार्ड्स सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए ही प्रिंट करवाएं।
आजकल मार्केट में इस तरह के अट्रैक्टिव पैकेजेस में गिफ्ट्स और स्वीट्स अवेलेबल होती है, होलसेल रेट पे मिल जाते हैं, तो आप इन्हें अपने गेस्ट को दे सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि इन स्मॉल स्पेंडिंग्स का बजट ब्रेकडाउन क्या है। ब्राइड या फिर ग्रूम और उनके पूरी फैमिली के लिए रेंटल, एक्सेसरीज और आउटफिट्स का बजट है 40,000। इंटरनेट पे बहुत सारी फ्री एप्स है जिसकी हेल्प से आप खुद से ई इनवाइट्स बना सकते हो, या फिर कोई भी डिज़ाइनर आपको 500 से लेके 1000 रुपीज़ तक की कॉस्टिंग में ई इनवाइट्स बना के दे सकते हैं। प्रिंटेबल कार्ड्स आप अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए ही बनाएं। 20 रुपीज़ पर कार्ड की रेंज में आपको एक बेसिक और अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा। अगर आप 50 कार्ड्स प्रिंट करवाते हो तो आपकी कॉस्टिंग होगी 1000 रुपीज़। गिफ्ट्स और स्वीट्स के लिए आप 10,000 का बजट रख सकते हो। तो प्री वेडिंग फंक्शन, वेडिंग फंक्शन और स्मॉल स्पेंडिंग्स को मिला के अपना टोटल बजट है ये। तो हमारा टोटल बजट 5,00,000 क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी। प्री वेडिंग फंक्शंस के लिए आप फूड प्लस वेन्यू लेते हो तो आपका टेबल और चेयर का एक्स्ट्रा 5,000 वहाँ बच जाएगा। शादी के लिए आए हुए मेहमान अगर आपके घर पे ही रह गए या फिर उसी दिन वापस चले गए तो आपका अकोमोडेशन का खर्चा हो जाएगा ज़ीरो। अगर गोल्ड ज्वेलरी के लिए आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ पे भी आपकी काफ़ी सारी सेविंग हो जाएगी। ये सारे एक्स्ट्रा पैसे आप अपनी वेडिंग में कहीं और चीज़ों में स्पेंड करके अपनी वेडिंग को और मनचाही और ग्रैंड बना सकते हो। तो इस तरह से 5,00,000 के बजट में आप अपनी ड्रीम वेडिंग जरूर कर सकते हो। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो की हेल्प से आप 5,00,000 रुपए के बजट में भी आपकी वेडिंग बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।